चेतन भाई, आपकी बात सुन के समझ में ये आ रही है कि आप राइट ट्रिगर का वेट करते हैं। आप हर वक्त कंपल्सिवली ट्रेड करने का अप्रोच बिलीव में बिलीव नहीं करते। जैसे आपने कहा कि चाइना का सीआरआर का डिसीजन आने वाला है या निफ्टी या बैंक निफ्टी जिसमें आप ट्रेड करते हैं वो एक पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे ब्रेकआउट देगा तब आप ट्रेड करेंगे, नहीं तो जब वो नहीं हो रहा है तो उस समय आप क्या करते हैं? जब नहीं होता है तब ट्रेडर को पेशेंटली वेट करना चाहिए, मार्केट्स आपको रास्ता बताएगा। विवेक जी, मेरे पास ना कोई टेलीविजन है, जो न्यूज आती है वो बाद में आती है, जब मार्केट को पता होता है उसके बाद मैं प्राइस एक्शन के लिए वेट करता हूँ कि बायर और सेलर में क्या लड़ाई चल रही है। जब वो लड़ाई में मेरे को पता चलता है वेयर इज द नेक्स्ट प्राइस एक्शन। सेकेंड, देर आर टू ट्रेंड्स, हु आर योर फ्रेंड्स। वन ट्रेंड इज द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट एंड वन इज योर स्टॉप लॉस। ऑलवेज कीप योर स्टॉप लॉस इंटैक्ट। सो मैं देखा चेतन भाई आपके सेटअप के अंदर में, मैं तो सरप्राइज हो गया कि ना आपने टीवी लगा रखा है ना आपके पास कोई न्यूज़ का सोर्स है, आप तो सिर्फ चार्ट खोल रखे हैं अपना जिसमें भाव देख रहे हैं और आपका ब्रोकर का ट्रेडिंग टर्मिनल है। तो कितनी अच्छी दोस्ती आपने एक प्राइस के साथ कर ली कि वो प्राइस ही आपको बता रहा है कि कुछ मार्केट में चल रहा है जो इन्फॉर्मेशन शायद आपको नहीं है, और देर इज अ इन्फॉर्मेशन आर्बिट्राज जिसको मैं कह सकता हूँ कि ये प्राइस में अब उसका इम्पैक्ट देख सकता है। क्या मेरा सोच सही है इस बारे में? विवेक जी, थोड़ी सही सोच में थोड़ी ड्रॉबैक है। देखिए, मार्केट में एक न्यूज आती है जो पुरानी न्यूज चल रही होती है, अच्छा, जो ओवरनाइट न्यूज होती है, एक दिन पहले की न्यूज आती है, और एक क्या आती है कि मार्केट में न्यूज आने वाली है उसका एक इम्पैक्ट आता है, उससे मार्केट लीड हो रहा रहता है। अच्छा, तो वो आपको प्राइस में पता चलता है। जो न्यूज मार्केट में पता चल गई है उसका इम्पैक्ट नहीं है। चाइना की जो न्यूज आई है वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, लेकिन क्या ये इस वीकेंड में होना है कि नहीं, वो न्यूज इम्पैक्ट अभी मार्केट डिस्काउंट कर रहा है। सो आप रिटेल इन्वेस्टर जो एक नॉर्मल आदमी है जिसके पास में अच्छे अच्छे टूल्स जैसे ब्लूमबर्ग हो गए, रॉयटर्स हो गए, इनका एक्सेस नहीं है तो उनको तो नहीं पता लगता है कि कौन सा न्यूज आने वाला है या कब अचानक से न्यूज आ जाएगी, ये भी नहीं खबर लगता है। तो आप ये सजेस्ट कर रहे हैं कि आप प्राइस को देखो और कहीं ना कहीं आपको प्राइस बताएगा कि कुछ तो इसके अंदर में आने वाला है जो आपको एक ट्रेड की तरफ ले जा सकता है। राइट, देखिए अल्टीमेटली क्या है, न्यूज इज ऑल्सो इफेक्टिंग द प्राइसेस, लेकिन उसके बावजूद, आज नेगेटिव न्यूज के बावजूद अगर मार्केट ऊपर है और सस्टेन कर रहा है ब्रेकआउट लेवल के ऊपर, इसका मतलब है बायर का मोमेंटम ऊपर की तरफ है। सो वी नीड टू रिस्पेक्ट द प्राइसेस, द प्राइसेस आर द अल्टीमेट गोल। बहुत सही। दूसरा क्वेश्चन मेरा चेतन भाई ये है कि आपका ट्रेडिंग सेटअप क्या है? यस, इंफ्रा पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं पूछूं या सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूं तो आप क्या हाई एंड ट्रेडिंग सेटअप बना के बैठे हैं या आप ऐसा ट्रेडिंग सेटअप है आपके लिए जो कि कॉस्ट इफेक्टिव है और जिसमें आप आराम से कमाई कर पा रहे हैं? पहली बात, ट्रेडर के पास ऐसा सेटअप होना चाहिए जिससे हिज आईज आर क्लियरली एबल टू जज एंड सी द प्राइस एक्शन। राइट, कोई कॉस्टली सेटअप से ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पैसे आएंगे। ये जरूरी है कि जो सेटअप आप देख रहे हैं उसमें मार्केट का कवरेज वाइड होना चाहिए। आपका होमवर्क होना चाहिए कि ये प्राइस पॉइंट्स के ऊपर मार्केट चल रहा है कि नीचे चल रहा है, एंड थर्ड पॉइंट इज द मार्केट एबल टू सस्टेन अबव दैट और नॉट। ओके, तो ये सिंपल सेटअप है। तो मेरा जो सेटअप है, मैं खाली फ्री टूल्स में ज़्यादा विश्वास करता हूँ। मैंने क्या है कि अपना रिसर्च और ट्रेडिंग को अलग रखा है। वो साइकोलॉजिकली क्या है कि अगर आप ट्रेडिंग स्क्रीन को बार बार देखते हैं आपका सबकॉन्शियस माइंड टेक ओवर हो जाता है, योर रैशनल थिंकिंग गोज अवे। सो इफ योर रैशनल थिंकिंग गोज अवे, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज यू मेक रॉन्ग डिसीजंस। सो मैं हमेशा अपना रिसर्च सेटअप देखता हूँ। अभी जैसे मेरी क्लियर आंख लगी हुई है कि 340 के ऊपर बैंक निफ्टी फ्यूचर चल रहा है, तो ये क्लियर ब्रेकआउट है, क्या ये सस्टेन कर पा रहा है कि नहीं आफ्टर अ करेक्शन। That is what I'm looking at right now. So, आप ये कह रहे हैं कि 340 का जो आपने लेवल निकाला है वो आपने रिसर्च करके निकाल लिया है, और जब वो ट्रिगर हुआ तो आपने ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया है, मुझे लग रहा है कि आज आपने किया है। राइट, अब आप उस ट्रेड को खाली फॉलो कर रहे हैं कि वो ट्रेड आपका आपके मनी मैनेजमेंट के हिसाब से सही जा रहा है, नहीं जा रहा है। राइट, लेकिन स्क्रीन से आपने 340 नहीं निकाला। नहीं, 340 आपने आपका जो एंड ऑफ द डे रिसर्च है या जो आपका ऑफलाइन रिसर्च है उससे निकाला है। तो रिसर्च करने के लिए आप क्या क्या टूल यूज करते हैं? देखिए, अल्टीमेटली रिसर्च करने के लिए आपको बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। उसमें कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस, आपको
चार्ट बता देगा कहाँ पे बायर सेलर की लड़ाई है। अगर विवेक जी आप ये चार्ट देखते हैं तो ये चार्ट में आप देखेंगे मैंने एक पॉइंट बनाया, वो 325 में एक पॉइंट है जी। अगर आप देखेंगे तो जो पहले जो सपोर्ट था 325 से मार्केट घूम रहा था, जब उसने 325 को ब्रेक किया उस दो बार उस लेवल पे आया, आज भी उसने 320-25 के लेवल पे आके वहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, लेकिन बायर हर एक प्राइम में ऊपर ऊपर प्राइस पुश कर रहा था। तो जैसे उसने 325 अब तोड़ा तो मेरे को चार्ट पैटर्न के हिसाब से दिख रहा है कि अगर आज ये 325 सस्टेन कर जा रहा तो ये शायद 500-505 के आसपास इसका टारगेट ऑन क्लोज होना चाहिए। अच्छा, तो yes. आप टारगेट भी निकाल पा रहे हैं? राइट right. क्योंकि ये बेसिंग पैटर्न है। अच्छा। तो अगर आप टेक्निकल एनालिसिस में किसी से बात करिएगा कि बेसिंग पैटर्न किसको बोलते हैं, तो बेस से लोअर से एंड से अगर आप जो डिस्टेंस निकालते हैं वही उसका अपर टारगेट बनता है। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है चेतन भाई। अगर मैं थोड़ा ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछूं आपसे कि आपके लिए क्या काम करता है मार्केट में, व्हाट वर्क्स फॉर यू इन मार्केट? राइट, देखिए मैं जो हूं एज अ ट्रेडर, जब मैं आया था मैं इम्पल्सिव ट्रेडर था, मैं चाहता था कि मैं मार्केट में ज्यादा रहूं, लेकिन व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज द पावर ऑफ चॉइस। विवेक जी, ट्रेडर के पास जो पावर ऑफ चॉइस है वो है एंट्री में। आपकी एंट्री वहां पे होनी चाहिए जहां पे आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत फेवरेबल हो। राइट, और दूसरा पॉइंट है कि जब आप प्रॉफिटेबल हो मेक श्योर दैट यू लेट योर प्रॉफिट्स रन पार्शियली, यू बुक हाफ एंड लेट योर प्रॉफिट्स रन पार्शियली। आप अल्टीमेटली देखेंगे कि आपके जो महीने के 25-30 ट्रेड है उसमें से 3 or 4 ट्रेड्स आर मल्टी बैगर्स, सो वी डोंट नो दैट 3-4 ट्रेड्स। ये बहुत ही अच्छा टर्म आपने यूज़ किया, मल्टी बैगर। और जनरली हम मल्टी बैगर को इन्वेस्टिंग के साथ एसोसिएट करते हैं, पर मुझे लगता है कि पहली बार किसी ने ट्रेडिंग में मल्टी बैगर शब्द को यूज़ किया होगा, तो थोड़ा इसको एलैबोरेट करिए कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। राइट, क्या होती है मार्केट्स में दो ट्रेंड्स होते हैं, एक ट्रेंडिंग मार्केट होती है, ट्रेडिंग रेंज होती है। जब मार्केट ट्रेडिंग रेंज से निकल के ट्रेंडिंग करती है और आप उस ट्रेड में बैठ गए, आपका ये टारगेट होना चाहिए कि डे एंड में अगर मैं अच्छा खासा प्रॉफिट में हूँ, मैं अपना कॉस्टिंग निकाल के अपने स्टॉप लॉस को ऊपर करके ट्रेल करते मैं उसको खाने की कोशिश करूँ। राइट, सो बैंक निफ्टी का विवेक जी अगर आप देखेंगे डेली चार्ट में 700 से 1000 पॉइंट की एक रेंज में ये घूमता रहता है। अगर मैं रेंज एंड से, आज जैसे रेंज एंड से घूमा है और मैंने 200 पॉइंट रेंज लो से पकड़ा है और अगर मेरी बात सही है और आज अगर 500 में बंद होता है तो पार्ट ऑफ माई पोजिशन आई शुड कैरी फॉरवर्ड टू मेक बिग प्रॉफिट्स। राइट राइट।